दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अंग्रेजी गायक जैन मलिक की लाइफ स्टोरी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैन मलिक एक अमेरिकन सिंगर है जो एक्स फैक्टर शो की वजह से सुर्खियों में आए। उनका पूरा नाम जैन जावेद मलिक है। जैन मलिक को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। इसी शौक की वजह से वे 17 साल की उम्र में ही हमें एक्स फैक्टर में दिखाई दिए। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दें, आई एम फैन ऑफ जैन मलिक। दोस्तों इनका रियल नेम जैन जावेद मलिक है, निक नेम जैन है। प्रोफेशन से वो एक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। जैन मलिक का जन्म 12 जनवरी 1993 के ब्रॉड फ्रॉड में हुआ। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट 5 फुट 9 इंच है, वेट 66 किलो है, बॉडी मेजरमेंट 38, 28, 13 है। इनके आँखों का रंग हेजल ब्राउन है, बालों का रंग ब्राउन है। नेशनैलिटी से यह एक ब्रिटिश है और रिलीजन से मुस्लिम है। पसंदीदा रंग काला। पसंदीदा गायक क्रिस ब्राउन। पसंदीदा गाना थ्रिलर माइकल जैक्सन द्वारा। पसंदीदा खाना ब्रोकलीज एंड स्पाइसी चिकन विद पास्ता। आइए जान लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। वैसे तो जैन मलिक अंग्रेजी और पाकिस्तानी मुल्क के हैं। जैन के पिता का नाम यसर मलिक है, वह एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है। जैन की माँ का नाम ट्रिसिया ब्रानन मलिक है, वह एक ब्रिटिश की रहने वाली हैं। शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म मुस्लिम में बदल लिया। उनकी 3 बहनें हैं, बड़ी बहन का नाम डैनिया, 2 छोटी बहनें हैं जिनका नाम लहरिया और सफ़ा है। जैन मलिक और उनका परिवार मुस्लिम आस्था से ताल्लुक रखता है। जैन बचपन से ही ब्रैडफोर्ड सिटी में पले बड़े हैं। उनकी पढ़ाई ब्रैडफोर्ड टोंग स्कूल में हुई है। इस तरह जैन का बचपन बीता। जैन मलिक अभी भी अनमैरिड है। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। 2017 में जैन मलिक ने एक रियलिटी शो दी एक्स फैक्टर में ऑडिशन दिया था। तब वे 17 साल के थे। उस शो में जैन ने लेट मी लव यू गाना गाया था। वे गाना सिंगर मारियो को अच्छा लगा था और उन्हें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया गया था। लेकिन लास्ट राउंड तक जैन मलिक को एलिमिनेट कर दिया गया था। लेकिन जज निकोल और सीमोल काउवेल ने बाकी प्रतियोगिता हैरी स्टाइल, लुइस टॉमिलसन, निहॉल हॉरन इनके साथ एक ग्रुप बनाया जिनका नाम वन डायरेक्शन रखा था। उन सब के साथ एक साथ आके काम शुरू किया। वे एक्स फैक्टर में सबसे लोकप्रिय बैंड बन गया। जैसे ही एक्स फैक्टर का सीज़न खत्म हुआ वैसे ही उन्हें काउवेल ने साइको म्यूजिक लेबल को साइन किया था। आज भी वन डायरेक्शन दुनिया का सबसे लोकप्रिय बैंड है। वन डायरेक्शन के साथ बहुत साल काम करने के बाद जैन मलिक सोलो करियर की तरफ बढ़े। उन्होंने अपना पहला सोलो सॉन्ग्स रिलीज़ किया जिसका नाम था आई डोंट माइंड, जिसके बाद उन्होंने एक से एक हिट गाने दिए जिसमें पिलो टॉक, इट्स यू इन गानों के नाम हैं। उन्होंने इन गानों को उनके पहले एल्बम माइंड ऑफ माइंड में रिलीज़ किया था। एक के बाद एक हिट एल्बम दिए, लेट मी लव यू, सोर डीजल, एंटरटेनर, आइस ट्रू फॉल्स का नाम आता है, डस्क टिल डाउन उनका सबसे हिट गाना है। इस गाने पे वह 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज मिले थे। अगर हम इनके कार कलेक्शंस की बात करें तो इनके पास कई लग्जरी कारें हैं। कुछ कार्स के नाम कैंडलिक स्कैलेड है, फेरारी 458 स्पेशल, रेंज रोवर वाउज, मर्सिडीज बेंज वी क्लास मार्को पोलो, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी है। आइए बात कर लेते हैं उनके घर के बारे में। जैन मलिक एक शानदार मेंशन में रहते हैं। उनका घर मैनहट्टन के सोहो पड़ोस में है, जिसके लिए उन्होंने 2018 में 11 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया था। आइए जानते हैं इनका नेटवर्क कितना है। 2021 तक जैन मलिक की कुल संपत्ति $75 मिलियन है। आइए जानते हैं उनके कुछ अनसुनी बातें। जैन के पूरे शरीर पर 46 टैटूज़ हैं। उनके चेस्ट मॉडल गिगिस हैडिड के आँखों का टैटूज़ है। उनके कान के पीछे उनके पिताजी का नाम है। उनके आर्म्स पर माइंड ऑफ माइंड एल्बम का टैटूज़ है। वह और भी कई सारे टैटूज़ हैं। वैसे तो समय के साथ जैन ने अपने हेयर स्टाइल बदल ली, लेकिन उनके कुछ हेयर स्टाइल के नाम जानते हैं। क्विफ
हेयर स्टाइल, दी फॉक्स हेयर स्टाइल, सैगी हेयर स्टाइल, क्रू कट हेयर स्टाइल, टॉप नॉट हेयर स्टाइल, सीजर हेयर स्टाइल। तो यह थी जैन मलिक की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप जैन मलिक के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो में किसकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।